हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त साकिब अली आज आपके लिए एक और मेडिसिन लेकर आया हूं जिसे हम जानते हैं मैकबेरी एसटी सिरप के नाम से। दोस्तों, मैं आपको इस सिरप की सारी जानकारी दूंगा तो आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसके बेसिक क्या है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, जानेंगे इसके बेनिफिट के बारे में, इसे लेने का सही तरीका है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के भी वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैकबेरी एसटी सिरप को जो कंपनी बनाती है वो है मैकलॉयड फार्मा। दोस्तों, इसकी बेसिक बातें जाने तो 100 ml का सिरप होता है जिसकी MRP 100 रुपये होती है। दोस्तों, जानते हैं इसके अंदर क्या कंपोजिशन है। तो दोस्तों, इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, वाइफेनेसिन, टर्बुटालिन, मेंथोल, ये ऐसे कंपोजिशन हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, मैकबेरी एसटी सिरप को हम खांसी में यूज़ करते हैं, बलगम वाली खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, खांसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, ये एक शुगर फ्री सिरप है, और दोस्तों खांसी के लिए बहुत बढ़िया सिरप माना जाता है। दोस्तों, ये तो इसके बेनिफिट, अब जानेंगे इसे यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, इसे एडल्ट 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं 6-6 घंटे गैप में, और दोस्तों बच्चे इसे 5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं 6-6 घंटे गैप में। दोस्तों, अब जानते हैं इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसे लेने के बाद आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको नींद आ सकती है, सीने में जलन हो सकती है। अगर ऐसी कोई सी भी कंडीशन होती है समझ लीजिए ये सिर्फ आपको सूट नहीं कर रहा, आप इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, हम जो आपको जानकारी देते हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, कृपया करके हमारी वीडियो को देखिए, किसी भी मेडिसिन का उपयोग ना करें क्योंकि उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, 8 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल ना करें, गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें, और बीपी, जिनका बीपी हाई रहता है वो लोग इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी मैकबेरी एसटी सिरप के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।